उत्तरी पर्वत द नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग उत्तरी पर्वत के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही हिमालय पर्वत के बारे में भी जानेंगे। तो उत्तरी पर्वत द नॉर्थर्न माउंटेन्स, और ये भारत का सुदूर उत्तरी भाग है जो सीमा का भी काम करता है, प्रहरीका का काम करता है। तो भारत का सुदूर उत्तरी भाग पर्वतों की एक ऊंची दीवार बनाता है जो भारत को उसके पड़ोसी देशों से अलग करता है। उत्तरी पर्वत भारत की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। इनके अंतर्गत हिमालय, काराकोरम जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम जिसे केटू भी बोलते हैं, और उत्तर पूर्वीय पर्वतीय श्रृंखला आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और यह प्रहरी का भी काम करता है। तो आइए हम लोग अब हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। तो हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का घर, और इसे इंग्लिश में Award of snow। तो हिमालय शब्द का अर्थ बर्फ का घर, और इसे इंग्लिश में अवार्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। और नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत का एक विशाल भाग बर्फ से ढका रहता है, और इस कारण से इसे बर्फ का घर भी कहा जाता है। इसका विशाल भाग सालों भर बर्फ से ढका रहता है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। यह भारत में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश में जाकर समाप्त होती है। इस भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर भारत के पूर्वी भाग यानी अरुणाचल प्रदेश में जाकर समाप्त हो जाती है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में तीन पर्वत समांतर श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में तीन पर्वत समानांतर श्रृंखलाएं हैं। पहला है महाहिमालय, महाहिमालय, और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। जो सबसे ऊंचे एवं उत्तर में स्थित है, दूसरा है मध्य हिमालय, और नाम से स्पष्ट है मध्य इस बीच, ये बीच वाला है। मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है, हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्यम ऊंचाई के हैं, महाहिमालय से कम ऊंचाई है, ऊंचाई के हैं एवं मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है। और तीसरा है लघु हिमालय, सबसे छोटा हिमालय है ये लघु हिमालय, और इसे शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, शिवालिक के नाम से ही जाना जाता है। जो सुदूर दक्षिण में स्थित है, जो सबसे कम
ऊंचाई एवं हिमालय के रूट दक्षिण में स्थित तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में तीन पर्वत समानांतर श्रृंखलाएं हैं। तो पहला है महाहिमालय, को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ऊंचे और उत्तर में स्थित है। दूसरा है मध्य हिमालय, को हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्यम ऊंचाई के एवं मध्य में स्थित है। और तीसरा है लघु हिमालय, को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जो सबसे कम ऊंचाई एवं हिमालय के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो इसमें पहला है महाहिमालय, द ग्रेटर हिमालयाज, और इसमें पहला पॉइंट है यह सुदूर उत्तरी श्रृंखला है, और दूसरा है यह सबसे बड़ी श्रृंखला है, तीसरा इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, और चौथा है यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है, पांचवा है इससे कई नदियां निकलती है। तो इससे कई नदियां निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र आदि। और इसके बारे में हम लोग कुछ और जान लेते हैं। तो महाहिमालय श्रृंखला सुदूर उत्तरी श्रृंखला है, श्रृंखला हिमालय सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, और इस श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस क्षेत्र में पर्वत हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, इसीलिए इससे अनेक ग्लेशियरों का निर्माण होता है, जिससे अनेक नदियां निकलती है, और इसमें कई ऊंची पर्वत चोटियां भी हैं, जैसे कंचनजुंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इस क्षेत्र की कुछ ऊंची पर्वत चोटियां हैं, और ये वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इस पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का अभाव होता है, और यहाँ पे वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा मध्य हिमालय, द मिडल हिमालयस। इसमें पहला पॉइंट है मध्य हिमालय श्रृंखला दक्षिण में महा हिमालय के समानांतर है, उसकी जस्ट सामने, और दूसरा है इसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है, और तीसरा है इस क्षेत्र में कई घाटियां हैं, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मसूरी एवं दार्जिलिंग आदि। और इसमें कुछ देख लेते हैं, और ये क्षेत्र सुखद जलवायु का संकेत देते हैं, मीन्स यहाँ की जलवायु तो सुहावनी होती है। हिमाचल क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं, जैसे चीड़, ओक, बर, देवदार के पेड़ों, फिर ये सब पाए जाते हैं। लोग पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, तथा चावल एवं मक्का आदि फसलें उगाते हैं। इन श्रेणियों के निचले ढलानों में फूलों के बाग और कुछ पहाड़ियों के ढलानों पर चाय के बागान देखने को मिलते हैं। और यहाँ के लोग भेड़ एवं बकरियां पालते हैं, जिससे ऊन वगैरह प्राप्त की जाती है। तो नेक्स्ट है लघु हिमालय, लघु हिमालय द लोअर हिमालयास। इससे पहला है यह सुदूर दक्षिण की श्रृंखला है, इसकी ऊंचाई 1,250 मीटर है। इस पर्वत में घने जंगल एवं जानवर पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कई तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। घने जंगल होने के कारण यहाँ पे कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसे तेंदुए, चीते, शेर, हिरण, भालू, इन जंगलों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादातर भूमि का उपयोग चावल, आलू, मक्का और जौ की खेती के लिए होता है, और इन पहाड़ियों के दक्षिण का क्षेत्र एक दलदली भूमि है, कीचड़युक्त, और इसे तराई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग हिमालय के महत्व के बारे में जानेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस। द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस। तो पहला महत्व है यह प्राकृतिक रक्षक है हमारे देश का, ये उत्तर में भारतीय
महाद्वीप के प्राकृतिक रक्षक हैं जो हमारे दुश्मनों से रक्षा करता है। दूसरा ऐतिहासिक दृष्टि से दृष्टि से पर्वतों पर्वतों के दूसरी ओर दुश्मनों से रक्षा करती है। तीसरा है इमारत और उसके पड़ोसी देश देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में है। मानसून हवाओं को रोक कर वर्षा करती है। ठंडी हवाओं हवाओं से भी हमारी रक्षा करती है। ग्लेशियर बहुत सी नदियों का निर्माण होता है। ये पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियां उनको बनाए रखती है। तो ये हिमालय के महत्व द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयास। तो पहला है ये उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राकृतिक रक्षक है, सीमा का काम करता है, और ये ऐतिहासिक दृष्टि से पर्वतों के दूसरी ओर दुश्मनों से सुरक्षा करती है। तीसरा है ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में है। चौथा है ये मानसून हवाओं को रोककर वर्षा कराती है।
पांचवा, ये ठंडी हवाओं से भी हमारी रक्षा करती है, इस हमारी मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं को प्रवेश करने से रोकती है। छठा है ग्लेशियर से बहुत सी नदियों का निर्माण होता है। सातवा है ये पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों को बनाए रखती है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे और बुक को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कोशिश करेंगे कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।